हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, जब हमारे बिहार में लॉकडाउन लगा था तब उस समय हमारे बिहार में कोविड के केसेस लगभग 8000 मिल रहे थे। फिर ये कोविड के केसेस बढ़ने चालू हुए और एक समय में तो लगभग 16000 तक कोविड के केसेस पर डे पहुँच गए थे। लेकिन दोस्तों, यदि हम कल की बात करें तो कल के दिन बिहार में 762 नए कोविड केसेस देखने को मिले हैं और यदि हम अभी बिहार में एक्टिव केसेस की बात करें तो ये 8230 है। यानी कि जो एक्टिव केसेस एक समय बिहार में लगभग 1.25 लाख के आसपास थे उसमें भारी गिरावट हुई है और ये लगभग 8000 के आसपास पहुंच चुकी है। और जो गिरावट की दर है आने वाले 3 से 4 दिनों में या 2 से 3 हजार पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, हमारी जो बिहार सरकार है वो बिहार में फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। लेकिन इस बार का जो लॉकडाउन होगा वो लॉकडाउन के नाम पर अनलॉक की घोषणा होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे बिहार सरकार ऐसा क्यों करने जा रही है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं इस बार लॉकडाउन में, पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो करूं, मेरा आपसे आग्रह, यदि भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कुछ शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल तो यह उठता है कि जब कोविड के केसेस काफी कम हो चुके हैं तब लॉकडाउन क्यों? तो इसका जवाब है, बिहार सरकार नहीं चाहती कि सभी लोग एक बार में ही बाहर निकले जिस कारण से फिर से बिहार में कोविड से हालत खराब हो। इसी कारण से पार्शली लॉकडाउन को हटाया जाएगा और इसे अनलॉक के नाम की जगह लॉकडाउन का नाम ही दिया जाएगा जिससे लोगों के मन में डर रहे और लोग कम से कम बाहर निकले। अब दोस्तों, यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहला बदलाव निजी ऑफिसेस में हो सकता है। 50% क्षमता के साथ खुलने की अनुमति मिल सकती है। जो बसेस चल रही हैं जो कि यात्रा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी 100% कैपेसिटी की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि सभी सीट पर सभी व्यक्ति बैठेंगे और इसी के साथ साथ दुकानों के खुलने के टाइम को भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।